नमस्कार, मैं हूं कुबेर। एक बार फिर से जेके क्राइम फाइल के सेगमेंट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जेके क्राइम फाइल में आज मैं एक ऐसे क्राइम से रिलेटेड खबरें आपके पास ला रहा हूं जो जेल प्रशासन के लिए चौंकाने वाला है, रांची पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। और चूंकि चौंकाने वाला इसलिए है कि अब खुल्लम खुल्ला जेल में जो अपराधी बंद हैं, जो विचाराधीन बंदी बंद हैं, वो अपने शागिर्दों को जेल से ही फ़ोन करते हैं, मतलब जेल से बाहर फ़ोन किया जा रहा है। यह बात मुझको मेरे ही एक कलीग के द्वारा पता चला कि जब उसको दिखाया गया कि देखिए मैं जेल से बात कर रहा हूँ और जेल में हमारे ये हैं। आजकल हो भी यही रहा है कि जो डॉन की पत्नियां हैं, जो डॉन से संबंध रखती हैं, वो विभिन्न जेलों में बंद हैं, लेकिन वहां से वो वीडियो कॉलिंग के मार्फत से अपना ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। बीच बीच में रांची पुलिस के द्वारा या झारखंड पुलिस के द्वारा निर्देश के आधार पर जेलों में छापेमारी होती रही है और कई बार आपत्तिजनक सामान भी पकड़े गए हैं। पर हैरत करने वाली बात यह है कि आजकल टुटपुंजिया क्रिमिनल भी जेल से फोन करने लगा है ना, हैरत वाली बात। जी हाँ, आपको याद होगा कि रातू रोड कब्रिस्तान में कुछ दिन पहले एक कंकाल मिला था, एक युवती का शव मिला था। और युवती का जब शव मिला था तो एक युवक का भी शव मिला था, उसको चाकू मार करके उसी कब्रगाह में जो है सो गाड़ दिया गया था। इस मामले में एक आरोपी अनमोल पकड़ा गया था। जी हाँ, यह वही अनमोल है जिसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, महज इसलिए कि उसकी प्रेमिका को उसी के दोस्त के द्वारा कहीं पे घूमते फिरते देख लिया गया था। आज वह जेल में बंद है। अब सूचना यह भी मिल रही है कि अनमोल अपने साथ जो दोस्त यार हैं उनको रात में कॉल करता है, सुबह कॉल करता है, वो किसी भी समय वहाँ से कॉल कर लेता है। मैं जेल प्रशासन पर यह आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई यदि आप जान जाएं तो बेहतर है। और बेहतरी इसी में है कि अमूमन आम तौर पर जितने भी व्यवसायियों से रंगदारी और लेवी की मांग भी होती रही है तो वो भी जेल से ही होती रही है। आखिर में ऐसा क्यों है, यह रांची पुलिस को भी सोचना चाहिए। समय समय पे वहाँ पे छापेमारी करती रहनी चाहिए। मोबाइल युग है, मोबाइल सब यूज़ करते हैं और आजकल जेल प्रशासन क्या करता है कि चंद पैसे के लालच में या जेल प्रशासन के वैसे कर्मी, मैं जेल प्रशासन पे आमतौर पे सीधे तौर पे आरोप नहीं लगाना चाहता, वैसे कर्मी जिन्हें पैसों की सख्त आवश्यकता है, जेल में हर सामान मुहैया हो जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ध्यान इसलिए भी देने योग्य बातें हैं कि जेल से यदि कोई किसी को धमकी देता है तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर कई बार ऐसा हुआ है कि रांची पुलिस में जितने भी धमकी वगैरह मिले हैं सारे जेल से ही मिले हैं, चाहे वो हजारीबाग जेल हो, चाहे रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार जेल हो, या कहीं और भी कोई घाघीडी जेल हो, तो सारे जड़ की फसाद जो है तो जेल ही है। जेल में ही योजना बनती है, जेल से ही किडनैपिंग की प्लानिंग बनती है, जेल से ही सब कुछ हो रहा है। तो जेके न्यूज नेटवर्क की ओर से मैं जेल प्रशासन और रांची पुलिस, झारखंड पुलिस के वैसे तमाम पदाधिकारियों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा नज़र रखा जाए ताकि आम लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके, निर्भय होकर के रह सके। धन्यवाद। और ऐसे ही क्राइम फाइल की सेगमेंट सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।